हाँ जी, माय नेम इज़ विमी कोहली. इट्स वेरी नाइस टू सी यू हियर. बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स लगा रखी हैं, बहुत प्यारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं दिवाली पर. तो आप यहाँ पे किस तरह से दिवाली मनाते हैं, और आपको क्या लगता है कि हमारी दिवाली मनाने का क्या मेन मकसद है, और हम इतना इंजॉय करते हैं, सभी लोग इतना, सबके चेहरे पर इतनी खुशियाँ नज़र आ रही हैं, तो इस मौके पर आप कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू विमी जी. ये बहुत ही खूबसूरत मौका है. सबसे पहले मैं आप सबको हैप्पी दिवाली टू यू ऑल, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. ये बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है. त्यौहार हर वक्त अपने साथ एक खुशी लाते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे हैं साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन सेंटर में, हमें यहाँ सिखाया जाता है कि इंसानियत हम हर वक्त सेलिब्रेट कर सकते हैं, और उस इंसानियत को सेलिब्रेट करते हुए हम उस प्रभु को पा सकते हैं. और यहाँ आप जो देख रहे हैं, कोई हर धर्म, हर समाज, हर कम्युनिटी, हर एज के लोग हैं, और सब आपस में अपने भेदभाव भुलाकर आपस में प्यार से बैठे हैं, और आपस में उस प्रेम को, प्रभु प्रेम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ऐसे ही अपने कदम प्रभु प्रेम की तरफ बढ़ा रहे हैं. तो इसीलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं. तो मैं वही अपने सदगुरु की, उस प्रभु की बहुत बहुत शुक्राना है कि उसने हमें यहाँ किसी भी संजोग से जोड़ा है कि हम उस प्रभु की तरफ स्टेप कर सकें. थैंक यू सो मच. रोजी जी, हम यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर में हैं, तो ये जो ध्यान जो है, ये मेडिटेशन जो है, ये हमें किस तरह से उस परमात्मा से जोड़ता है? क्योंकि स्पेशली साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन सेंटर है, और हमें जो कहते हैं कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए एक टीचर की, पूर्ण गुरु की ज़रूरत होती है, तो आप उसके बारे में और यहाँ के मेडिटेशन किस तरह से हमें हेल्प करती है उसके बारे में आप प्लीज़ बताएँ. मेडिटेशन के बहुत से फ़ायदे हैं. हमारी हेल्थ बेटर होती है हर तरफ से. आजकल हर हॉस्पिटल्स में, हर जगह मेडिटेशन कराई जाती है. हेल्थ बेटर होती है, इसलिए हम मेडिटेशन करते हैं. कितने एथलीट्स आजकल मेडिटेट कर रहे हैं. पर जो सबसे बड़ा रीज़न है, ये सब हमें सिखाया गया कि साइड बेनिफिट्स हैं, जो सबसे बड़ा रीज़न है हमने जिस करके मेडिटेट करना है, वो है उस प्रभु परमात्मा से एक होना. और वो हम अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे किसी भी सब्जेक्ट सीखने के लिए हमें एक अच्छे टीचर की ज़रूरत होती है, उसी तरह मेडिटेशन सीखने के लिए हमें एक पूर्ण सद्गुरु, जो हमें उस रास्ते पे ऊपर नीचे सारे भेदभाव सिखा सके, हमें उसकी ज़रूरत है. तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें वो पूर्ण सद्गुरु हमें मिल चुके हैं. आप भी जो जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो एक मिनट भी देर ना कीजिए, और प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए, ताकि ये जो हमें जीवन मिला है, इंसानी जीवन, इसका हमारी मुकम्मल हो सके, इसका जो हमें पूर्ण लक्ष्य है, हम वो उसको पा सके. थैंक यू सो मच. बहुत खूब रोजी जी, थैंक यू सो मच, एंड हैप्पी दिवाली.